अब तक आपने देखा देवी योग माया को ढूंढ देवकी की आठवीं संतान का पता लगाने में असमर्थ कंस, योजना बना खत्री पर्वत से सभी औषधियों का हरण करा लेता है तथा आकाशवाणी कर देवी योग माया को औषधियों को नष्ट करने की चेतावनी देता है। यदि तू नहीं आई तो संसार को पुनर्जीवन देने वाली तेरी औषधियों का मैं अग्निदान कर दूंगा। कान्हा भी बलराम के साथ औषधियों को बचाने की योजना बना कंस की नगरी मथुरा को जाते हैं। देवी योगमाया कंस के समक्ष आ काली का प्रचंड रूप धर लेती हैं और कंस तथा देवी काली में घमासान युद्ध का आरंभ होता है। अब आगे स्वयं को भगवान कहने वाला अधर्मी, अपने शस्त्रों की रक्षा तो नहीं कर पाया तू, स्वयं की रक्षा कैसे कर पाएगा? मेरे शस्त्रों को खंडित करके तुझे लग रहा है कि तू मुझे पराजित कर देगी, देख क्या रही है? प्रहार कर मुझ पर, आ अंत कर दे मेरा। आ ये क्या है प्रभु? असुरों का रक्त पान करने वाले शुंभ निशुंभ महिषासुर मर्दनी देवी महाकाली आज इस पापी कंस के समुख पराजित होती हुई प्रतीत हो रही है, ये कैसा अनर्थ है प्रभु? हाँ प्रभु, महाकाली तो वो रौद्र शक्ति है जिन्हें रोकने के लिए स्वयं महादेव को उनके चरणों के नीचे आना पड़ा था, तो आज वो कंस को रोकने में असमर्थ क्यों हो रही हैं प्रभु? देवी, कभी कभी अधर्म को पराजित करने के लिए दो पग पीछे हटना पड़ता है ताकि पूर्ण शक्ति के साथ उस पर प्रहार किया जा सके। महाकाली भी इस समय वही कर रही हैं देवी। मुझे युद्ध करने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं एक शस्त्र हूं, धर्म का विनाश करने वाला शस्त्र। मुझे नहीं, अपने मृत्यु से पहले नारायण का स्मरण कर। आज जलेंगी मनुष्य को जीवित रखने वाली इन औषधियों की चिता। हमें बचाइए, ये भगवान कंस की नगरी है, हाँ नारायण नहीं आते। अब क्या? आजा। पापी कंस, पापी कंस, तेरी प्रवृत्ति अधर्म की तरफ बार बार सर उठाने की है, किंतु आज मैं इस अधर्म को खंड खंड कर दूंगी। आहा!
प्रभु, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। महाकाली ने असंभव को संभव कर दिया प्रभु। उन्होंने इस युग के सबसे बड़े अधर्मी, सबसे बड़े आताताई कंस का अंत कर दिया प्रभु। धन्य है महाकाली। नारायण नारायण। कृष्ण का नहीं आता था थैया, और यहाँ काका, मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ, किंतु मुझे आना पड़ा। हम जानते हैं तुम यहाँ इन औषधियों को ले जाने आए, किंतु हमारे रहते हुए तुम इन औषधियों को नहीं ले जा सकते। काका, आप लोग भयभीत क्यों होते हैं? मैं मामा कन से कह दूंगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। भयभीत? भला तुम बालकों से हम दोनों भयभीत क्यों होंगे? कान्हा, मैं इन्हें बताता हूँ कि इन्हें हमसे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। दाऊ, इस शक्तिहीन लोगों से लड़कर आप अपनी शक्ति का अपमान क्यों करवाना चाहते हैं? शक्तिहीन? काका, ऐसे नीच अपराध स्त्रियों को बंदी बनाकर उन्हें जलाने का प्रयास करना, यह कोई वीरता का कार्य थोड़ी ना है। और भगवान कंस भी जानते हैं कि आप लोग कितने अयोग्य हैं। बालक, तू हमारा अपमान पे अपमान कर रहा है, बस कर, नहीं तो क्रोध आ जाएगा। उसी की तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। यदि तुम दोनों का साहस जाग जाए तो मुझसे युद्ध करने आ जाना। दाऊ, आप निश्चिंत रहिए, मुझे नहीं लगता किनमें आपसे लड़ने का साहस है। देखिए ये दोनों कितने भयभीत लग रहे हैं। दानव, इन बालकों को तुम दंड दोगे या फिर मैं इन्हें अपनी शक्ति दिखाऊं? हाँ प्रलोक, मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर इस बालक को अपनी शक्तियां दिखानी चाहिए। तो चलो। बालक, तू आज से हमारे नाम से भी भयभीत होगा। शक्तिशाली समझने लगे हो। आज मैं तुम दोनों का भ्रम दूर कर दूंगा। यही तो मैं चाहता था कि तुम दाऊ से युद्ध करो और मैं औषधियों को बचाऊं। यदि तुम दोनों में तनिक भी लजा हो तो आज युद्ध समाप्त किए बिना यहाँ से भागना मत। मतलब इस बल के धाम को बाद में देख लेंगे, पहले इस तात हथैया को देखो। मैं जानता था कि तुम लोग शक्तिहीन ही नहीं
अभी तू लज्जाहीन भी हो। किंतु चिंता मत कर, मैं तुम्हें आज मारने नहीं अभी तो औषधियों को बचाने आया हूँ। बल्कि बलराम, तूने मेरे को अच्छा नहीं किया। कब तुझे मारना नहीं चाहते थे, किंतु औषधियों के लिए ऐसा करना पड़ा। बल्लू काका, जितनी बातें करते हो, यदि उसका आधे का आधा व्यायाम में लगा लेते तो इस प्रकार आंधे मुंह नहीं गिरना पड़ता। अभी उन्हें जन देना आवश्यक नहीं है, अभी औषधियों का जीवन बचाना आवश्यक है। इससे पहले कि वो कुछ और अनर्थ करे, चलिए दाऊ, हम यहाँ से निकलते हैं। चलिए ना, चलिए औषधियों। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। परम अवतार श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस पापी कंस का अंत कोई भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, महाकाली के विफलता के कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। आपको कुछ करना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, यदि आपने महाकाली को नहीं रोका तो वो अपने रौद्र स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि का अंत कर देंगे। उन्हें रोकिए प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। केवल क्रोध से नहीं मरूंगा मैं, इसके लिए तुझे कर्म भी करना होगा। आगे बढ़ और अंत कर दे इस अधर्मी असुर का। पापी कर्म, पापी कर्म। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठहर जाइए देवी, अपना क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि कंस को ब्रह्मदेव का ये वरदान कि कोई भी देवी शक्ति उसका अंत नहीं कर सकती। देव, आपका क्रोध स्वाभाविक है, किंतु इस क्रोध को त्याग देने में ही संसार का हित है। अन्यथा आपका ये क्रोध संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा। हे धर्म संस्थापिका देवी महाकाली, शांत हो जाइए। आपने सत्य कहा प्रभु, इस अधर्मी का अंत नहीं हो सकता, किंतु इसने जो अधर्म किया है उसका दंड मैं उसे अवश्य दूंगी। उसे मैं ऐसा दंड दूंगी कि भविष्य में वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। मैं देवी योग माया महाकाली मेरा अंत नहीं कर पाई तो माता योग माया आ गई। शीघ्रता कीजिए दाऊ, चलिए शीघ्रता करो। कान्हा, तुम रुक क्यों गए? दाऊ, आप इन औषधियों को लेकर खत्री पर्वत जाइए, वहाँ इनके बिना सबका जीवन संकट में होगा।
नंजी, नंजी इन सब का शरीर नीला पड़ता जा रहा, कुछ कीजिए नंजी। दामोदर क्या है औषधि लेने, बस प्रार्थना करोगे उसे औषधि मिल जाए। नंद बाबा, दामोदर, खत्री पर्वत पर एक भी औषधि नहीं मिली, किंतु समझ नहीं आ रहा है, खत्री पर्वत तो दिव्य औषधियों का निवास है, यदि वहां औषधि उपलब्ध नहीं है तो इसका एक ही अर्थ है नंद बाबा कि हमें कहीं औषधि नहीं मिलेगी। यशोदा, अब कुछ नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से वृंदावन वासियों का जीवन नहीं बचा सकते। नहीं नंद जी, अब भी एक कार्य जो हम कर सकते हैं, अपनी कुल देवी से प्रार्थना। अब केवल कुल देवी योग माया है इन सब की रक्षा कर सकते हैं। हाँ यशोदा, हमें शीघ्र इन सबको योग माया माता के मंदिर लेकर जाना होगा, चलिए सबको लेकर चलिए। चलिए। किंतु कान्हा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? दाऊ, मुझे एक आवश्यक कार्य करने जाना है। किंतु कान्हा, अभी वृंदावन वासियों का जीवन बचाने से अधिक आवश्यक कार्य और कौन सा हो सकता है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दाऊ कि इससे पहले देर हो आप इन औषधियों को लेकर शीघ्र से अति शीघ्र खत्री पर्वत पहुँचिए। मैं जानता हूँ कान्हा, तुम अपना आवश्यक कार्य किसी को भी नहीं बताते, किंतु अपना ध्यान रखना कान्हा। चलिए शीघ्रता कीजिए। कंस, अब तुम्हारी शक्तियों को बांधने का समय आ गया है। अब समय आ गया है तुम्हारे क्षेत्र को सीमित करने का। क्या हुआ? कहाँ गया आपका वो क्रोध? कहाँ गई तेरी हंकार? कहाँ गया कंस को खंड खंड करने का तेरा प्रलाप? अब नहीं करेगी अंत मेरा? नहीं कंस, तेरा अंत किसी और के हाथों सुनिश्चित है। मैं तो केवल तेरे अंत का आरंभ करने आई हूँ। कहाँ है वो? योग माया, ए महाकाली, कहाँ तो? मेरे सम्मुख क्यों नहीं आती? भयभीत हो गई क्या? ए योग माया, ए देवी, ए महाकाली। मैं आऊँ कंस। तेरे अधर्म नगरी की सीमा के बाहर यदि साहस है तो आके मुझसे युद्ध कर। युद्ध नहीं, अब सीधा अंत करूंगा तेरा। कैसी शक्ति है? क्या हुआ कंस, तू मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा? तो नारायण के उस पूर्ण अवतार तक कैसे पहुंच पाएगा? ये कैसी माया है जो मुझे यहां से बाहर जाने से रोक रही है? कौन है जो मुझे सीमा रेखा में बांधने का प्रयास कर रहा है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कंस, आज के बाद तू इस सीमा रेखा को कभी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है, नारायण के उस पूर्ण अवतार ने दिव्य दैव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके तुझे सदा सदा के लिए मथुरा के 84 कोस के क्षेत्र में सीमित कर दिया है। भगवान कंस को कोई सीमा में नहीं बांध सकता। यदि तूने सीमा रेखा को पार करने का दुस्साहस किया
तो उसी क्षण तेरी सारी शक्ति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी कंस। तू अपने मृत्युदाता का सत्य जानना चाहता था ना? तो सुन, आज उसी बालक ने, नारायण के उस पूर्ण अवतार ने तेरे अंत का आरंभ कर दिया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।